गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का देख लो, मॉर्निंग का शुरुआत सुबह 5:17 में ही हो गया है। एक्चुअली मैं उठा हूँ अपना वीडियो एडिट करने के लिए, और आज हमारा फ्लाइट है अहमदाबाद के लिए जो कि 10 बजे है। अभी बहुत टाइम है, अभी सुबह का 5 बजे है। जब 7 बजे का पहले ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे, देखते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पास में ही है। T1 से ही हमारा फ्लाइट होगा। और ये जो ताज सेंटा क्रूज होटल है, ये एकदम एयरपोर्ट पे ही है, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही है, तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ से पैदल भी हम लोग जा सकते हैं। वैसे जो हमारा फ्लाइट है ना ही इंडिगो है, ना ही स्पाइस जेट है, ना ही विस्तारा है, ना ही एयर इंडिया है, ना ही एयर एशिया है, और क्या बचा रह गया, गो एयर, ये सब कुछ भी नहीं है। हम लोग आज फ्लाई करने वाले हैं आकाशा एयर के साथ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जब से इंट्रोड्यूस हुआ था तभी से मुझे इसमें ट्रेवल करना था, लेकिन हो नहीं पा रहा था चक्कर। एक्चुअली हम लोग रहते हैं कोलकाता में, ये वाले साइड में मैक्सिमम चीज नया नया लॉन्च होता है, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ आना पड़ता है तभी हम कवर कर पाते हैं, तो ये एक सीन हो जाता है। बाकी कोई नहीं, अभी पहुंच गए, टिकट भी मैंने बुक कर लिया है। टिकट कितने में बुक किया, कितने मैंने, भाई मेरे को बहुत सस्ता टिकट पड़ा। मैं बोल सकता हूँ अभी तक का मेरा बुक किया हुआ ये सबसे सस्ता फ्लाइट है। इतना सस्ता फ्लाइट मैंने कभी नहीं बुक किया था। मैं आपको बता दूंगा टोटल कितना लगा कितना नहीं। फिलहाल एक काम करते हैं, थोड़ा सा एडिटिंग बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर अभी ब्रेकफास्ट करने जाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। पहले थोड़ा सा काम बचा हुआ है उसको निपटा लेते हैं। चलो जी, अपना पैकिंग वगैरह हो गया है डन, लगेज लेने के लिए भी आ गए, यहाँ पे समेटने का काम चल रहा है, तो एक बार फाइनल वाला चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है ना। एक्चुअली देखो, 7:30 बजे से ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी ही जा रहे हैं। क्या पता हम लोग का भूखा चेहरा देखकर खोल दे ब्रेकफास्ट कि आ जा भाई खा लो, तुम लोग ही पहले खा लो। ऑब्वियसली लगा देगा। हाँ हाँ, इतना रिक्वेस्ट तो करेंगे, होपफुली कुछ छूटा ना हो। फिलहाल तो नहीं मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है जो छूटा हो। अरे हम लोग तो देखे ही नहीं थे, सुबह न्यूज़पेपर दिया था। चलो जी, बाय बाय। काफी शॉर्ट टाइम के लिए थे हम लोग यहाँ पे। देखो ब्रेकफास्ट लग गया है, तो यहाँ अपना ब्रेकफास्ट है टिकरी में। ओ भाई, हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए इनके ब्रेकफास्ट सेक्शन में। ब्रेकफास्ट बूफे लग चुका है, पीछे देख लो, आपको दिखाते हैं क्या क्या है ब्रेकफास्ट में। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही देख लो, यहाँ पे अंडा, क्या ये पोच फिश, बाप रे, अरे सर इंग्लिश, ये ग्रिल्ड चिकन सॉसेजेस, ये खाने से अम्बल करते हैं। ये क्या है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ओटमील पोरिज, बेक बीन्स, बेक कॉर्न एंड स्पिनच, जलेबी अभी आएगा, आया नहीं, जलेबी, ये फाफड़ा, कर्ड, मैंगो पिकल, गार्लिक हर्ब रोस्ट पोटैटो, पोहा, ये क्या है, उपमा, गोभी पराठा, आलू पराठा, यहाँ पे आएगा पूरी, ये कोई एक सब्जी है, सांभर होगा मुझे लग रहा है, ये मटकी उसल, बाकी वही सब पाव का ब्रेड वगैरह, यहाँ पे भाजी के लिए सांभर, इधर है सांभर, ये हरा मूंग मसाला, मेदू वड़ा, इडली, स्टीम इडली, भाई इडली देखकर बढ़िया लग रहा है, गन पाउडर, कैरेट इडली, ये टोमेटो चटनी है, कोकोनट चटनी है, यहाँ पे डोसा भी बनेगा, डोसा उत्तपम काउंटर यहाँ पे है, और क्या क्या है, इधर तो ब्रेड काउंटर है, बाकी ये सारा ड्राई फ्रूट सेक्शन है, बाकी ये सारा फ्रूट सेक्शन है। एक बात बता रहा है, हाँ। ये नो बोटल से भी बड़ा लग रहा है मेरे को, ऑप्शन बहुत ज्यादा, बहुत सारा है। और एक बात है कि ये बेकरी सेक्शन बोलते हैं ना इसको, बेकरी सेक्शन, बेकरी सेक्शन। चलो प्लेट उठाते हैं हम लोग भी, बाकी यही सब है, हम लोग अपना एक काम करते हैं, सब ले लेते हैं उसके बाद दिखाते हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये चाय का काउंटर है, ये वाला जो सेक्शन देख रहे हो ये सात्विक भोज है, भाई दुनिया भर का ऑप्शन है यहाँ पे तो। और ये होने वाला है अपना ब्रेकफास्ट, अभी बस इडली, मेदू वड़ा, पोहा हम लोगों ने लिया है, जल्दी निकलना भी है, तो एक काम करते हैं कंप्लीट करके भागते हैं जल्दी से। तो ये आ गया अपना सेकंड राउंड, पहले वाले राउंड में तो हम लोगों ने इडली वगैरह लिया था जो कि मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, चटनी काफी बढ़िया था, इडली ठीक ठाक सा लगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ। बाकी ये अभी हम लोग सॉसेजेस, वेफल, पैनकेक्स, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, ये सब लेकर आ गए जो कि सुनने में और दिखने में दोनों में ही अच्छा लगता है। अरे वाह भाई, मोहित भाई हेल्दी खाना खा रहे हो, इंग्लिश, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बाकी टपरी वाला चाय, कॉम्बिनेशन मस्त है, लेकिन इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद टपरी वाला चाय। और हाँ, अभी धीरे 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 भीड़ बढ़ते जा रहा है, तो अपना जल्दी से खाकर 8 बजे तक निकलने का प्लान भी है। अभी जस्ट हम लोग टिकरी से ब्रेकफास्ट करके निकले, यहाँ पे देख लो इनका ये बिजनेस सेंटर, जीवा स्पा, फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल, सब कुछ इस वाले साइड में है, लेकिन अभी टाइम थोड़ा कमी है तभी इसलिए भाग रहे हैं हम लोग। ओ भाई, अरे गेट यही है देखो, बहुत सही है ना। तो हाँ, अगर आप ताज सेंटा क्रूज में स्टे कर रहे हो, अगर डोमेस्टिक एयरपोर्ट से फ्लाइट है तो आप अंदर ही अंदर जा सकते हो, आपको बाहर कैब लेने का भी जरूरत नहीं है। तो देख लो, हम लोग डायरेक्टली अपने होटल से यहाँ निकल गए, ये अंदर जाने का गेट भी है सामने। हाँ जी, तो अभी हम लोग एयरपोर्ट में एंटर कर गए, ये अपना एयरलाइन आकाशा एयर, सबसे पहले करवाते हैं अपना लगेज चेक इन, हम लोगों ने अपना बैग वगैरह चेक इन कर दिया। ओ भाई, यहाँ असली भसड़ है, ये हमको सबसे इरिटेटिंग काम लगता है, पी लेंगे एक एक बोतल, ये हमको सबसे इरिटेटिंग काम लगता है, सच बता रहे हैं। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद मिलते हैं।
हाँ जी, तो अभी हम लोग एयरपोर्ट में तो आ गए हैं और हमारा जो बोर्डिंग है वो 9:05 में स्टार्ट होने वाला था, अभी 9:15 हो गया। एक्चुअली अभी हम लोग अपने गेट पे ही है, वो हमारा गेट है गेट नंबर 28 और ये फर्स्ट टाइम होने वाला है हमारा आकाशा एयर के साथ फ्लाइट। वैसे आकाशा एयर का जो पहला फ्लाइट था वो शायद अहमदाबाद टू मुंबई था, या मुंबई टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू मुंबई। ये कन्फ्यूजन है थोड़ा, अगर आपको आइडिया हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, अहमदाबाद टू मुंबई हुआ था या फिर मुंबई टू अहमदाबाद। इतना पता है 7 अगस्त को हुआ था, वैसे अगर बात करो टिकट प्राइस का तो मैं बता रहा हूँ इससे सस्ता टिकट मैंने आज से पहले कभी किसी फ्लाइट के लिए नहीं पे किया। तो मैं बता दूँ, ये जो मैंने आकाशा एयर का जो फ्लाइट बुक किया है मुंबई टू अहमदाबाद, भाई ये एक ट्रेन के टिकट से भी सस्ता है। अगर मैं अभी तेजस के चेयर कार्ड से भी जाता है ना, टिकट का प्राइस सिमिलर ही होता, मैं बता दूँ, इतना सस्ता में मैंने बुक किया है। तो मैं बता दूँ, पर पर्सन मैंने आकाशा एयर के लिए 1500 रुपया पे किया है, बस 1500 रुपया। तेजस का जो चेयर कार का प्राइस है ना वो 1700-1800 रुपये के आसपास है, एग्जीक्यूटिव क्लास का 2400 रुपये के आसपास टिकट प्राइस है। तो मुझे ये जो आकाशा एयर का फ्लाइट टिकट मिला 1500 रुपये में मुझे मिल गया, दो लोगों का समथिंग कुछ 3000 हुआ था मेरा, ऊपर से मेरे कार्ड में भी अच्छा खासा डिस्काउंट था। अगर आपके पास कोई अच्छा क्रेडिट कार्ड है ना, तो मैं बता रहा हूँ ये जो फ्लाइट टिकट 1500 में मुझे मिला वो आपको 1000 में भी मिल जाएगा। ये 1500 में बता रहा हूँ विदाउट किसी ऑफर का, सोचो ये आपको ही मिल सकता है। थोड़ी देर में हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होगा तो अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा आकाशा एयर। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारा वीडियोस देख लिया होगा, बट हम जाएंगे, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्या है क्या नहीं है। फाइनली अपना बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है अभी, वैसे टाइमिंग दिया था 9:05 का, लेकिन अभी देख लो कितना हो रहा है, 9:54 अभी बोर्डिंग हो रहा है, जबकि 10:05 का ऐसे इसका डिपार्चर टाइम है। वो सामने देख लो अपना फ्लाइट लगा हुआ है आकाशा एयर। अभी देखो फ्लाइट में खाना बोर्ड हो रहा है, और बाकी एक चीज मैंने अभी नोटिस किया, यहाँ पे लाइन कैसे लगा हुआ है, Zone 1, Zone 2, Zone 3 ऐसे करके लगा हुआ है। यहाँ पे देखो आपको ऐसा बोर्डिंग जोन मिल जाएगा, तो ऐसा Zone 1, Zone 2 तो अपना Zone 2 है, इसलिए अभी हम लोग लाइन पे लग गए। देख लो 10:05 का डिपार्चर टाइम है और अभी कितना 10:00 है। गुड मॉर्निंग, एक्सप्रेस बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ये तो आपका इमरजेंसी सीट है तो इसमें होता ही होता है, बट एक सबसे अच्छा बात नोटिस किया आपने, एंटर करते ही USB दिया हुआ है, देखो सबसे फर्स्ट नजर वहीं पे गया। तो अगर आप आते हो इसमें तो अपना डिवाइस वगैरह आप चार्ज भी कर सकते हो। बाकी ये जो लेग रूम है इससे तो इम्प्रेस हो गया हमें, वैसे ये इमरजेंसी सीट है और विंडो भी क्लीन ही होगा। हाँ भैया एकदम पूरा क्लीन है। हाँ जी, अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, 10:07 हो रहा है, 10:05 का इसका मुंबई से डिपार्चर टाइम था। वैसे हम लोग अपने सीट पे बैठ गए हैं, इससे नॉर्मल जितना भी फ्लाइट में मैं बैठा हूँ, लाइक इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, सीट सेम ही है इनका। बाकी देख लो विंडो एक चीज़ है कि काफ़ी क्लीन है, कुछ अपना स्टफ वगैरह रख सकते हो आप नीचे में। सबसे अच्छा मुझे तो ये लगा यार, नीचे में आपको चार्ज मतलब USB पॉइंट मिलता है, अपना फ़ोन वगैरह आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन जिसके पास एप्पल का न्यू डिवाइस है वो नहीं चार्ज कर पाएगा, उसके लिए ये रखना पड़ेगा। जस्ट देख लो ये मास्क मिल चुका है, मतलब वो बांट रहे थे फ्लाइट में, वैसे हमारे पास था बैग में लेकिन वो सभी को दे रहे थे तो हम लोग को भी दे दिए। वैसे हमारा फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाला है, सो जय माता दी, जय माता दी। इसके जस्ट पीछे एक ओमान एयर भी है देख लो। मैंने तो ऐसा कोई भी प्री मील बुक नहीं करवाया था अपना, देखते हैं अगर ऑन बोर्ड अगर कुछ अच्छा खाने को मिलता है तो वो ले लेंगे। बाकी बस यही है, ज़्यादा नहीं है, मेरे को लगता है 1 घंटे में हम लोग अहमदाबाद में होंगे। डिपार्चर टाइम हमारा 10:00 का था और अभी टाइम कितना हो रहा है देखो, 10:41, और 4 मिनट में मेरा वीडियो आएगा। जब मेरा वीडियो आएगा पता नहीं तब मैं कौन से सिटी के ऊपर रहूँगा।
वैसे देखते हैं इनके मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे जो मिलता है। वैसे तो एक एयर सिकनेस बैग है, ये देख लो कैफे आकाशा, एयर में इन लोगों ने अपना कैफे भी बना दिया, कैफे आकाशा। ज्यादा नहीं, थोड़ा ही आइटम है, पोहा 150 रुपए, उपमा 200 रुपए, ठीक है जैसा रेट सब होता है वैसा ही रेट है। लेकिन ये सारा कुछ आपको प्री बुक करना होगा, ये सब कुछ आपको ऑन बोर्ड मिल जाएगा। देखो योर कैफे इन द स्काई, काफी कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पोहा, उपमा, पास्ता, रवा हलवा, भेलपुरी। इसमें से देखते हैं क्या ऑर्डर कर सकते हैं क्या नहीं। आप एयर में केक भी ऑर्डर कर सकते हो 500 ग्राम का। इसके अलावा सैलेड वगैरह भी है, देख लो रेट वगैरह सबका नीचे में लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके देख लेना आप लोग। यही मेन्यू है इनका कैफे आकाशा का, देखते हैं हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। अभी मैं हूँ आकाशा एयर के वॉशरूम में, तो देख लो कुछ ऐसा वॉशरूम है इनका, काफी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा वॉशरूम है। अब क्या ही दिखाऊं मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। ये देख लो, ये एकदम मेरे हेड से टच हो रहा है, मतलब अगर कोई 6.5 फुट का बंदा होगा ना उसको ऐसे खड़ा होना होगा झुक कर। बाकी इधर एक मिरर, गर्म पानी है यार, एक मिनट। यही इनका वॉशरूम है, छोटा सा है, ठीक है, ज्यादा कुछ तो दिखाने के लिए है नहीं। हाँ जी, तो देख लो अभी मैंने यहाँ से, ये क्या एक है, हनोइंगली गुड रोल्स मैंने ऑर्डर किया है, जो श्रेडेड चिकन वियतनामीज राइस पेपर रोल विद स्वीट चिली डिप के साथ होगा, ट्राई करते हैं देखते हैं कैसा है। हाँ जी, तो देख लो अभी हम लोगों ने ले लिया है ये कैफे आकाशा का, क्या ये जो था ना ये वाला हम लोगों ने लिया है, क्या हनोइंगली गुड रोल्स, देखते हैं कैसा है ये। हाँ, डम्पलिंग टाइप का है, कुछ रोल है, वियतनामीज डिश है ये, तो चलो ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। और साथ में दो डिप भी आया हुआ है, ये 600 रुपए का और ये हॉट चॉकलेट 100 रुपए का, टोटल ये 800 रुपए का, क्या बोल सकते हैं, ब्रेकफास्ट ही है, स्पून नहीं दिया गया। तो देख लो यही होने वाला है अपना खाना, चलो टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसा है। ये ऐसे कौन खाता है, हाँ सही खा लेते, ठंडा है, अरे इसके अंदर तो सेवाई भरा हुआ, वेज 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 नहीं है, नॉन वेज है, स्टार्टिंग में नहीं अच्छा लगा, अभी अच्छा लग रहा है। इसके साथ डिप करें चिकन, ठीक है, बढ़िया। हाँ, 100 रुपया पीस है, 6 पीस का है। ये हो गया अपना खाना डन, इतना फटाफट किसी खाने का रिव्यू मैंने फर्स्ट टाइम दिया होगा, ठीक था ये, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे को नहीं लगता इतने छोटे जर्नी के लिए कोई खाना ऑर्डर भी करेगा, चाय या फिर कॉफ़ी मंगा लो वही बहुत है। वैसे मेरा फर्स्ट टाइम था आकाशा एयर, इसलिए मुझे इसका फूड, चाय, कॉफ़ी ये सब कुछ ट्राई करके देखना था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया, अदरवाइज मैं इसको ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा लगा था, नहीं अच्छा तो था, लेकिन इसको ऑर्डर करने का मतलब नहीं, इतने छोटे जर्नी के लिए आप क्या ऑर्डर करोगे, वो भी 600 रुपये का, मतलब वो रोल, ये 100 रुपये का हॉट चॉकलेट लो, ये पीते पीते आपका जर्नी कट जाए। और अभी हम लोग लैंड भी करने वाले, देखो अहमदाबाद के सरजा वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। उड़ान के आगमन में हुई इस देरी के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। बाहर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, कुर्सी के पीछे का संकेत पहने तक कृपया अपने स्थान पर बैठे रहे। अब आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान कक्ष सावधानी से खोले और विमान से उतरते समय अपना सारा सामान साथ ले जाए। आकाशा एयर से यात्रा करने के लिए हम आभारी हैं। जी, तो अभी जस्ट हम लोग लैंड हुए अहमदाबाद, वेलकम टू अहमदाबाद। और एक चीज़ आप नोटिस किए है, एक चीज़ आप नोटिस किए है, फ्लाइट लैंड हो गया है, एक आदमी अपने सीट से हिला नहीं, भाई साहब अपने जगह में, ये बात मेरे को बहुत सही लगा। ठीक है गेट खुल जाएगा तब भीड़ लगाएगा, अलग बात है, फ्लाइट लैंड करते भीड़ लगाने वाला सीन हमको नहीं समझ में आता है। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ ना, क्या बैठे रहो, ये रहो, वो रहो, नहीं वो ठीक है, गेट खुलने के बाद हड़बड़ी मचा चलेगा, हो सकता है बहुत लोगों कहीं जाना हो, कनेक्टिंग फ्लाइट हो, ये समझ में आता है। क्योंकि हम भी जब मालदीव जा रहे थे तो मेरा भी फ्लाइट का टाइम ऐसे डिले हुआ था, तो हम भी भागा दौड़ी किया। अभी अब लैंड हुआ है, गेट तो खुला नहीं होगा, तो अभी खड़ा होकर क्या होगा। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, बाहर निकलते हैं। कौन से बेल्ट में हमारा सामान आएगा, ये क्या कर रहे हो, कैफे का है, अच्छा पानी भरे हो गया उसमें, हम बोले आपका कॉफी तो खत्म हो गया, अभी तक चल रहा है ये खरीदा हुआ कॉफी है, बाप रे तो कैसा है महंगा वाला कॉफी, मीठा है थोड़ा सा, थोड़ा पानी मिक्स हो गया है तो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मीठा मीठा। हाँ जी, तो अभी देख लो ये हम लोग अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर आ गए, उबर बुक करना होगा या फिर ऑटो, पता नहीं क्या मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को स्टेशन की तरफ जाना है, तो एक काम करते हैं पहले कैब वगैरह कुछ ले लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया अपना कैब, सामने बोल रहा था। चलो जी कैब हमें मिल गया है, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। कितना टाइम लगेगा भैया स्टेशन,
भाई समझो आधे घंटे में हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे। देख लो अभी जस्ट हम लोग अपने कैब से उतरे हैं, अभी हम लोग होटल में चेक इन भी नहीं किया है। देख लो सबसे पहले कहाँ आ गए, मोती महल भाई साहब। अपना एक साल हो गया, 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके आए चाय पीने के लिए। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं मोती महल। देख लो भाई यहाँ का चाय हमें इतना पसंद है, कहीं हम लोग नहीं गए। अभी इतना थके हुए मन कर रहा था होटल जाए, थोड़ा सा रेस्ट करे उसके बाद आते हैं। नहीं, सबसे पहले आ गए हैं चाय पीने के लिए। टाइम वैसे मैं बता दूं अभी कितना हो रहा है, देख लो अभी 12:35 हो रहा है। आसपास में ही होटल ले लेंगे, अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है होटल हमारा। अगर मान लो ये पैसा में अगर फ्लाइट कोई लेता है तो कोई ट्रेन से आएगा ही नहीं। ट्रेन से भी सस्ता टिकट था ये जो हम लोग का आकाशा एयर था, ट्रेन से भी सस्ता था और बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए। 10:40 में हमारा बोर्डिंग हुआ और हम लोग 11:15 या 11:20 तक लैंड हो गए थे। तो नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, पहले ऐसा है कि नहीं, देख कर तो अच्छा ही लग रहा है। चलो जी पीते हैं अपना चाय। जीभ जला, लेकिन जीभ जलने के बाद जो स्वाद आया ना एकदम सेम पूरा लग रहा है, ऊपर में लग रहा है। चाय कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा सच में यार, कहीं नहीं मिलेगा। देख लो टी शर्ट गंदा हो गया मेरा चाय से, लेकिन चलेगा लॉन्ड्री में धुलवा लेंगे, चलेगा। ये चाय का निशाने लेके जाएंगे। हमारा माइंड में जो चल रहा था ना कि आएंगे यहाँ पे इस टाइप का चाय पियेंगे, चाय का स्वाद ऐसा होगा, एग्जैक्टली वही स्वाद वही चाय, मजा आ गया। हम लोग शायद ये वाले कहीं टेबल पे बैठे हुए थे। एक काम करते थर्मस में पैक भी करवा लेंगे। पैक करवा लेंगे, भरवा लेंगे, मजा आ गया चाय पी के। देख लो ये चाय किस टाइप का है, अभी ये जो मैंने कप को थोड़ा आधा खाली कर दिया उससे आप आइडिया लगा लो कैसा एक लेयर बन गया है यहाँ पे। बाय द वे ये जो चाय है एक कप, ये जो देख रहे हो ये एक कप 28 रुपए का है। गुप्ता में कितना में पीते हैं, 30 में। हाँ जी, तो अभी जस्ट मैं ये वाला रूम में चेक इन किया। जब भी मैं अहमदाबाद आता हूँ ना तो इसी वाले होटल में चेक इन करता हूँ। आसपास में काफी मस्त लोकेशन है, हमारा फेवरेट चाय भी मिलता है इसलिए हम लोग हमेशा यहीं पे रुकते हैं, तो ये एक रीजन है। और वैसे अगर मैं बात करूँ आकाशा एयर का, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस, क्या रहा आकाशा एयर को लेकर? आकाशा एयर सब देखो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रेट खाने का रेट बहुत हाई। लेकिन फ्लाइट भी तो सस्ता था, फ्लाइट सस्ता था, रेट खाने का हाई है। खाना का रेट हाई नहीं था, देखो क्यों हाई नहीं था, हम लोग क्या ऑर्डर किए थे, हम लोग कुछ अलग चीजें ऑर्डर किए थे। उसके अलावा जो आप हॉट चॉकलेट पी रहे थे जो नॉर्मली सभी फ्लाइट में 100 रुपए का, और 150 रुपए का पोहा जो कि नॉर्मली सभी फ्लाइट में रहता है। आकाशा एयर को लेके 2-3 चीज जो मैंने नोटिस करा जो कि मुझे थोड़ा बढ़िया लगा, होप कि अगर ये चीज अगर हर जगह हो जाए तो मजा आ जाए। पहला बात तो जो रेट है, रेट मेरे को काफी सही लगा। ऐसा रेट मतलब जो शॉर्ट फ्लाइट सब होता है ना, लाइक 500-600 किलोमीटर का जो फ्लाइट सब होता है, जैसे हम लोग को कोलकाता से पुरी जाना है या फिर रांची जाना है या फिर पटना जाना है या फिर सिलीगुड़ी जाना है। सिलीगुड़ी कितना, 800 होता है ना? नहीं, 500 सिलीगुड़ी भी। तो अगर मान लो बागडोगरा जाना है, ये सब जाना है, रेट इतना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। मैं तो भाई 500 किलोमीटर के लिए कितना पे किया हूँ, 11,000 रुपए मैंने पे किया है बस 500 किलोमीटर के लिए। और कहाँ ये 500 किलोमीटर के लिए मैं 1,500 रुपए पर पर्सन पे किया हूँ, सोचो कितना फर्क है। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगा। और बाकी जो हम लोगों ने लिया था वो क्या था पता नहीं ना, मैं नाम भूल गया उसका, जो खाने का लिया था फ्लाइट में एयरपोर्ट में हर जगह खाना एक्सपेंसिव होता ही है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ये मैं फर्स्ट आकाशा एयर में फ्लाई कर रहा था, ये 10 मिनट लेट भी था बाय द वे। होपफुली बहुत जल्दी आकाशा एयर हमारे कोलकाता में भी फ्लाई करे और कम से कम जो फ्लाइट रेट है वो 1.5 से 2,000 तक भी चलेगा यार, क्योंकि अगर आप शताब्दी वगैरह करके जाते हो तो 1700-1800 रुपया तो चेयर कार का लग ही जाता है 2,000 के आसपास। तो चलो ये वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करते, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख ले तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा, और जल्दी से मिलियन करवा दो यार, अच्छा कॉन्टेंट दूंगा तो जरूर आप लोग भी सब्सक्राइब करोगे। चलो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।